हेलो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। क्वार्क क्या है, क्वार्क के बारे में अगर जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में जाता है कि कुछ कण होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मेनली जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी नाभिक के चारों चक्कर लगाता है उससे छोटे होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आंसर हमारे माइंड में आते हैं, तो उन आंसर्स को आज हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में क्वार्क क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, आपको पूरा सटीक उसका आंसर यहां पर मिलने वाला है। क्वार्क क्या है, तो वैज्ञानिक मेलमान के अनुसार प्रकृति में कुछ ऐसे कण भी पाए जाते हैं जिन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं होता है, ठीक है। आप अगर क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ते हो कक्षा 12वीं में, पहले चैप्टर में जब हम क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन यहां पर वैज्ञानिक मेलमान ने क्या बताया कि आवेश का पूर्ण गुणज नहीं होता है बल्कि भिन्नात्मक होता है, भिन्न के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भिन्न के रूप में होता है, ठीक है। तो इन भिन्नात्मक कणों को ही हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। भिन्नात्मक कणों को क्या बोलते हैं, क्वार्क। अब क्वार्क जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब क्वार्क की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का 2/3 गुना होता है, वो धनात्मक होता है। डाउन क्वार्क जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का तीसरा हिस्सा होता है और ऋणात्मक होता है, ठीक। अब वैज्ञानिक मेलमान ने बताया कि जो प्रोटॉन होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन जो है वो भी 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जबकि हम ये समझते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र कण है, न्यूट्रॉन भी अपने आप में स्वतंत्र कण है, लेकिन वैज्ञानिक मेलमान ने बताया कि ये भी क्वार्कों से मिलकर ही बने हुए थे, है ना, इनको भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। तो प्रोटॉन 3 क्वार्क से और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से। तो आइए देखते हैं, जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन जो होता है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर इनके आंसर सही आ जाते हैं, ठीक है, अगर इनके आंसर, प्रोटॉन जो होता है वो अपने आप में धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन, है ना, इतना कितना आवेश होता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है इस पे आवेश कितना होता है, शून्य होता है, कितना आवेश होता है, शून्य। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये आंसर सही आते हैं इसके, क्या एक्चुअल में प्रोटॉन जो है वो 2-3 क्वार्क से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है क्या, ठीक है। तो प्रोटॉन को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो प्रोटॉन होता है ये मिलकर बना है 2 अप क्वार्क से प्लस 1 डाउन क्वार्क से, ठीक। 2 अप क्वार्क का मतलब हुआ 2 गुणा अप क्वार्क की वैल्यू क्या है, तो अप क्वार्क की वैल्यू है 2/3 इलेक्ट्रॉन, ओके। डाउन क्वार्क की वैल्यू -e/3, तो प्लस -e/3, यहां से हो जाएगा 4e/3 और ये जाएगा माइनस का e/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, 3 से भाग लगाएंगे ऊपर आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस 3 से भाग लगाएंगे आंसर आएगा 1, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये जाएगा, यहां से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3e/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया 3। इसका मतलब ये प्रोटॉन ही है, ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि प्रोटॉन। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है कि जो प्रोटॉन होता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। ऐसे ही हम चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं कि क्या आपका न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो आइए इसको चेक करते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है वो 1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। 1 अप क्वार्क, अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है, तो ये 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 डाउन क्वार्क यानी कि माइनस का e/3, ठीक है। यहां से हम देखेंगे 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस माइनस e/3, ओके। यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 3, और 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस यहां पे 1 आएगा e, तो आंसर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका e/3, है ना, क्या बच जाएगा e/3। इसमें एक चीज और ध्यान रखें आप थोड़ा सा, यहां पे 2 डाउन क्वार्क है तो यहां पे 2 का और मल्टीप्लाई होगा, किसका होगा, 2 का, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर भी क्या रहेगा, 2। तो आप देखोगे कि 2a से 2a चला जाएगा और आंसर जाएगा 0। तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है ना, यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि 2 डाउन क्वार्क है। तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल सही आपका आंसर निकला है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है।
तो बच्चों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को देखते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।